जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल नहीं, क्या करना क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें, ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फ़ायदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बताएं कि हमारे इस्लाम में चार शादियां जायज़ हैं, लेकिन आजकल की जो वाइफ हैं वो परमिशन नहीं देती, आजकल की वाइफ नहीं बल्कि पहले की वाइफ भी परमिशन नहीं देती दूसरी शादी की, इसकी क्या सॉलिड रीजन है? और आप बिल्कुल करेंगे, एक और करेंगे, बल्कि चार और करेंगे। क्या वजह? तीन और करेंगे, वजह क्या? इस्लाम है, मुसलमान है, इस्लाम में चार शादियां जायज़ हैं, चार करेंगे इंशाल्लाह। मैडम मैं दूंगी। देंगी क्या वजह की दे देंगी? बस मैं नरम दिल हूं ना, इसलिए दे दूंगी। मैं दूंगी। बजाओ ताली। भागो मैडम। अच्छा ये बात अभी बयान दे दिया, मेरी ऐसा कुछ करेंगी नहीं जब वक्त आएगा। नहीं नहीं वो देख रहे होंगे, मैं दे दूंगी। अब शरीफों के साथ शादी करना औरत गुवारा ही नहीं करती है। वहाँ बदमाश होना चाहिए, मोटर होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, उसके घर में शराब होना चाहिए, कबाब होना चाहिए, खाने के लिए अय्याशी के लिए पैसा होना चाहिए, तो मैं उसे शादी करूंगी। तो फिर घर में बैठी रहेंगी ना 35-40 साल के लड़के, मैं बताऊंगा जिनकी शादी नहीं हो रही क्यों? वो शरीफ है। मेरे नबी की साहबजादी की शादी देख लोगे कैसे, अली के साथ बोरियां थी, बोरियां पहनने के लिए कपड़ा नहीं था जिस समय जब उनकी शादी हो गई थी। पिछले दौर में एक गांव के अंदर 3 से 6 लड़कियां जवान थी, उसके अंदर ऊपर पत्थर बरसना शुरू हो गए थे। तो जो 35 साल की औरत घर में बैठाई हो, उसका घर में भाई है, उसका बाप है, उसका कोई भी कफील है, किसी मौलवी से पूछ लेना कि उसके ऊपर 1 महीने का 1 कत्ल वाजिब हो जाता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार मजाक हो रहा है। देख रहा ना विनोद कैसे 72 हूरों के चक्कर में चाचा बातों को घुमाए जा रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान की जनता भाई, मर्दों को चाहिए भाई 4 खातून, और खातून है परेशान क्योंकि भाई बच्चे पेलम पेल है 4 के भी। आप लोग पाकिस्तान की लड़कियों के भाई चाचा जान के 35 साल की 1 करोड़ से ज्यादा है महिलाएं बैठी और चाचा जान रो रहे हैं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन करेंगे? वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो शुरू करें। क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल नहीं, क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें, ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अकल करो पाकिस्तानियों, शऊर क्यों नहीं है इतना? लोग जो है वो बच्चों आबादी कंट्रोल पे जा रहे हैं, बहुत से कंट्रीज अनपढ़ है ना, जाहिल है, तो उनको क्या कहें हम आप? तो क्योंकि वसाइल हमारे मुल्क में इतने नहीं है, इससे क्या होता है जब बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं तो हम उनको खिला पिला नहीं सकते, फिर चाइल्ड लेबर प्रमोट होता है। वसाइल तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, मतलब आप खुद देख लें कि अब लोग सड़कों पे इस तरह बैठे होते हैं, बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़े होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सबर करें ना, मतलब ये कहते हैं सवाब मिलता है बच्चे ज्यादा पैदा करने से, अब इनको क्या करें? बच्चे पैदा करके सवाब मिलता है लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना कहाँ से करेंगे, भूखा मारना है उनको सारी जिंदगी। क्या बेटा समझ में आया? देखिए खासतौर पे हमारी मुस्लिम कंट्री कि नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि गुनाह, अगर कोई ये भी कहे कि 2 बच्चे हैं उसको कहेंगे 2 बच्चे, वो ना बड़ा अगले को शर्मिंदगी फील करवा देते हैं, ये हल है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगी, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक जितने भी है ना, आबादी के लिहाज से आप देख ले कि जितने भी ममालिक है ना इस उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज की आबादी है, जो कि कंट्रोल वो नहीं कंट्रोल कर सके तो हम कैसे कंट्रोल करें? 5वें नंबर पर पता मसला क्या है, और मुल्कों में सब कुछ है, डेवलपमेंट भी है, तरक्की भी हो रही है, सब कुछ है, वहाँ पे लोग भूखे नहीं मरे, हमारे क्या है नहीं कंट्रोल नहीं हो रही। तो कम से कम वसाइल ऐसा पैदा करें कि इस आबादी को इस्तेमाल करें कि कहाँ पे करें, ताकि इससे हमारी जो है ना तरक्की भी हो मुल्क की, कुछ ऐसे वसाइल पैदा करें कि कंट्रोल हो सके, कि गुरबत ना आए, वो सारा मैनेज हो सके। और मुमालिक उन्होंने भी तो मैनेज किया ना, तो 1 करोड़ जो है फालतू हो चुकी है, फिर वो कहाँ जाएगी, फिर कैसे शादी करेगी? अगर मर्द के साथ 2 शादियाँ नहीं होगी तो मर्द तो कम हो गए, कोई जहाज में मरता है, कोई क्लब में मरता है, मर्द हो या औरत हो जब वो बालक हो जाए उसको शादी कर लेनी चाहिए, और उसके कफील का ये हक है कि उसको शादी करवाए, बेटे को भी और बेटी को भी। एक मर्द को कितनी शादी करनी चाहिए? भाई साहब एक मर्द को जहाँ तक शादी का तलक है वो 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकती है। कहानी ये है कि शादी करेगा कैसे जबकि जायज और इसके चक्कर में दुनिया लगी हुई है, मेहर के चक्कर में 6-8 लाख रुपया मेहर कर रहे हैं लोग, उधर जायज मांग रहे हैं लड़की वालों से, तो शादी इसीलिए। तो ये आपने देखा होगा कि कोई सर्वे से अलावा भी हम अपने गांव में मोहल्ले में अपने आस पड़ोस में जो है ना वो निगाह डाले तो लड़कियां और लड़के घर में बैठे हुए हैं। उसकी सिर्फ यही वजह है कि अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना वो पब्लिक को बहुत रिलीफ दिया हुआ है, इसकी वजह से किसी के पास पैसा नहीं है कि वो शादी कर ले, क्योंकि शादी के लिए अभी 12 से 15 से 18 लाख रुपया चाहिए। अब 18 लाख कोई आटा खरीद के खाएगा या 18 लाख लाएगा? उसकी मेन वजह यही है कि हमारे माशरे में से दीन का दूरी हो गई है, दीन की दूर हो गए हैं। नहीं तो मेरे नबी की साहबजादी की शादी
देख लो कि कैसे अली के साथ बोरियां थी, बोरियां पहनने के लिए कपड़ा नहीं था जिस समय जब उनकी शादी हो गई थी। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मालूम हुआ कि मेरी बेटी 3 दिन से जवान है, तो उन्होंने घर में भूचाल मचा दिया कि मेरे को बताया कि उन्हें इसका रिश्ता देना था। अभी देखो 35 या 40 साल की औरत घर में बैठी है, 35 साल की औरत जो है हमारे ऊपर तो अभी पत्थर बरसेंगे पत्थर। पिछले दौर में देखे किसी उलमा से पूछे कि एक पिछले दौर में एक गाँव के अंदर 3 से 6 लड़कियां जवान थी, उसके अंदर ऊपर पत्थर बरसना शुरू हो गए थे। पता नहीं हमारे को नबी के सदके पत्थर क्यों नहीं बरस रहे। तो जो 35 साल की औरत घर में बैठाई हो, उसका घर में भाई है, उसका बाप है, उसका कोई भी जो है ना वो जो उसका कफील है, किसी मौलवी से पूछ लेना कि उसके ऊपर 1 महीने का 1 कत्ल वाजिब हो जाता है। 1 महीने के बाद जब औरत को हैज आता है उसके उसको एक कत्ल का मुर्तकिब हो जाता है वो। तो ये हमारा इस्लामी माशरा है, इस्लाम का नाम ही नहीं है। बस ABC के पीछे लगा के अंग्रेज ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें बर्बाद तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ ABC के पीछे लगा रहा है। अभी किसी को पूछो जनाजा पढ़ने का उसको नहीं मालूम है, जनाजे का किसी को पूछो, आगे जनाजा रखा हुआ है पता नहीं मर्द का है, औरत का, बच्ची का है, बच्चे का, किसका है, अल्लाह अकबर करके घर चले जाते हैं। दीन जहाँ तक पहुँच गया है। तो ये हमारे माशरे के उलमा इकराम से भी बात करता हूँ कि मस्जिद के अंदर लोगों को ये नमाज जनाजा भी सिखाएं और ये बातें उनको बताएं कि ये लड़कियों को इनके साथ जुल्म जबर किया जा रहा है, ये घर में बैठाई हुई सुर्खी पाउडर करके बैठा रहे हैं, भाई उधर से सऊदीया से अमरीका से इधर उधर से डॉलर भेज रहा है वो सुर्खी पाउडर, भाई इसको शादी करके दे तू इसको ये जन्नत में ले जाएगी, तेरे को जन्नत के अंदर ले जाएगी। क्या वजह है जो 35 साल से जायद उम्र की खवातीन भी जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी हैं पाकिस्तान में जिनकी शादी नहीं हुई, इसकी वजह मेन क्या है कि क्यों नहीं हो रही? मेन वजह यही है, अभी जो बदमाश हैं रिश्तेदारी उनके साथ की जाती है, शरीफ लोग शरीफ ऐसे लड़के भी हैं 35-40 साल के लड़के मैं बताऊंगा जिनकी शादी नहीं हो रही, क्यों? वो शरीफ हैं। अब शरीफों के साथ शादी करना औरत गवारा ही नहीं करती है, वहाँ बदमाश होना चाहिए, मोटर होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, उसके घर में शराब होना चाहिए, कबाब होना चाहिए, खाने के लिए अय्याशी के लिए पैसा होना चाहिए, तो मैं उसे शादी करूंगी तो फिर घर में बैठी रहेंगी ना। अगर दूसरी शादी करना चाहिए तो दूसरी शादी पहली बीवी से पूछ के करनी चाहिए, इजाजत लेनी चाहिए, इजाजत लेनी भी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये उलमा इकराम बता सकते हैं, मेरे को इस हवाले से कोई इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि बगैर इसके जो है ना घर में फिर लड़ाई झगड़ा पैदा होता है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यानी कि भाई पाकिस्तान की आज बात कर ले तो पाकिस्तानियों को देखे भाई पेट की कोई दिक्कत नहीं है, बस पेट की दिक्कत है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आज देखिए जो एजुकेटेड थोड़ी बहुत बची हैं लड़कियां, बट जो पाकिस्तान के मर्द हैं उनको कोई लेना देना नहीं, वो पढ़े लिखे भी हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मदरसा है भाई भर देता है इनके दिमाग में कि 4 शादियां करनी है, कौम दबा के करनी है। देखिए 4 शादियां करेंगे तो एक बीवी कम से कम इनके सपने हैं कि भाई कम से कम 10 बच्चे तो हो, 40 बच्चे हो गए, 40 में जब भाई 5-10 मर भी गए सरद टपाओ और उधर दफनाओ, ये है पाकिस्तान का असली मेन मोटिव। आप लोगों ने अभी देखा भी होगा भाई कश्मीर के अंदर कम होके जम्मू के अंदर है बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है जो यानी कि दफनाने के लिए दफन होने के लिए जो आ रहे हैं, यानी कि भारत की मिट्टी भी भाई इतनी हसीन है कि भाई दूसरे मुल्कों से यहाँ पर दफन होने के लिए आते हैं। तो देखिए जो आज पूरा विश्व है वो पाकिस्तान की इस मानसिकता से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो पाकिस्तानी की मानसिकता है कि भाई हम हमारे अंदर जज्बा इतना है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई हमारे पास बम है, अरे भाई तुम्हारे पास ये तो देखो तुम्हारे पास गरीबी कितनी है, तुम्हारे पास ये तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तुम ये तो देखो कि भाई तुम्हारे वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या है। अभी हाल ही आप लोगों ने देखा होगा भारत पाकिस्तान के मैच में एक यूट्यूबर है जो व्लॉग बना रहा था, भाई सिक्योरिटी गार्ड से उसने कुछ पूछ लिया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको ठोक दिया। ये है भाई सब 1947 में भारत से हक कर अलग होकर ये बना था जो मुल्क कि भाई हम इस्लामिक देश बसाएंगे और हर इंसान को वहाँ पर बोलने का हक होगा, हर मजहब के लोगों को वहाँ पर मान्यता होगी। 22% से 1% पे आ गए भाई, ये है मुल्क पाकिस्तान का हाल हिंदुओं का वहाँ पर। बाकी भाई आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवाहर, जय श्री राम।